रोशनी आज बहुत खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? बताओ जल्दी बताओ। आज मुझको ना इससे छुटकारा मिल जाएगा। इससे तुम क्या करती थी? इसमें बैठ के लिखना पड़ता था। अच्छा, ओ तो क्या आ रहा है आज पार्सल में? पढ़ने वाला टेबल, स्टडी टेबल। वाह, और बताओ। ये इसको मैं कभी नहीं बुलाऊंगी, क्यों? लेकिन क्योंकि वो नहीं आया था तो यही मेरा काम आया था लिखने के लिए। सॉरी मम्मी, तुमको बहुत देर। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आप सबको तो पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या है। तो आज रोशनी का जो है, आज हो गया 5-6 दिन उसने एक जो है स्टडी टेबल ऑर्डर किया हुआ था, क्योंकि उसको बिस्तर पर पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि ऐसे लिखना पड़ता है तो उसको जो है बैक में दर्द होने लगता है। तो मैंने उसको ऑर्डर दे दिया और फाइनली वो आ रहा है। तो बने रहिए हमारे इस छोटे से मिनी ब्लॉग में। स्टडी टेबल मैं खरीद गाइस, मैं रोशनी को कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए वो वाला स्टडी टेबल लाई थी, तुम उस पर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती हो, तुम्हें बिस्तर ही चाहिए पढ़ाई करने के लिए। तो कह रही थी मम्मी मैं इसमें पढ़ाई करके मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे बिस्तर पर ही बैठ कर पढ़ाई करके अच्छा लगता है और ये सब आपकी वजह से हुआ है। तो मैंने कहा मेरी वजह से क्यों हुआ है? तो मैं जब से छोटी थी आपने मुझे बिस्तर पर ही पढ़ाया है, मुझे कभी भी टेबल पर नहीं पढ़ाया। तो मैं उसको बोल रही थी गाइस कि देखो, जब तुम छोटी थी तब मैं बिस्तर पर पढ़ाती थी, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो तो तुम बिस्तर पर मत पढ़ाई। तो गाइस, अब सबने रोशनी का तो बात सुनी लिया होगा कि उसने कैसे मुझे कहा कि मम्मी ये सब आपके कारण हुआ है, तो आपके कारण मुझे आदत लगा बिस्तर पे पढ़ाई करने की। तो मैं क्या कर सकती हूँ गाइस, जब हमारा ये घर नहीं बना हुआ था तो हम कच्चा घर में रहते थे, तो उस घर में दो ही रूम था, रूम भी नहीं था, एक ही रूम था और एक किचन था। तो उसमें जगह भी नहीं था कि मैं उसमें और कुछ लाकर उसमें भरूं, क्योंकि उसमें खुद ही ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारा सामान था, तो इसलिए मैंने और कुछ भी ख़रीदा नहीं था। तो मैंने इसके लिए वो स्टडी टेबल ख़रीद दिया था ये घर लेने के बाद, कि मैंने सोचा कि वहाँ पर पढ़ाई कर लेगी, लेकिन वहाँ पर नहीं पढ़ाई करती है, उसको बिस्तर चाहिए पढ़ाई करने के लिए। तो उसने वो जो हमारा तो क्या बोलते हैं उसको, डाइनिंग टेबल का जो चेयर का जो कुशन होता है गोल वाला, वो ले लेकर लिखती है। वो बहुत भारी है गाइस, उसका पेट भी दर्द हो जाता है, रोशनी का पेट भी दर्द करने लगता है। तो इसलिए मैंने उसके लिए एक जो प्लास्टिक वाला होता है ना बिस्तर में रख के वो बैठ कर लिख पाएगी, वैसा वाला स्टडी टेबल एक ऑर्डर कर दिया। तो फाइनली वो आज आ रहा है। तो आज था हमारा असम में दुर्गा पूजा का दशहरा का दिन, तो आज जो है दशहरे के दिन में आ रहा है, तो ये याद रहेगा रोशनी को कि ये स्टडी टेबल आया था दुर्गा पूजा के दशहरे के दिन 2024 में। रोशनी का पार्सल आ गया और वो उस पार्सल को अपने सर के ऊपर उठा लिया है। मैंने उसे कहा कि मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ, लेकिन उसने मुझे दिया नहीं। जब हमारा ये स्टडी टेबल आया रोशनी का, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि स्टडी टेबल जो था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा आ गया था। गाइज, ये जब मैंने मीशो के ऐप्स में देखा था तो ये बहुत ही ज़्यादा, इसका जो पिक्चर था वो बड़ा था, लेकिन ये बहुत ही उन्होंने छोटा भेजा हुआ है। कभी कभी मीशो वाले बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड कर लेते हैं, तो इसलिए मैं इसको रिटर्न कर देना चाहती थी, लेकिन रोशनी ने मुझे दिया नहीं। तो चलिए फाइनल डिसीजन ले लेते हैं। तो गाइज, फाइनल डिसीजन हो गया है, रोशनी को इसे रखना है लेकिन मुझे नहीं रखना है। तो उसको चाहिए तो मैंने उसको छोड़ दिया है कि ले लो जाओ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था इसको, थोड़ा सा इतना सा बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है गाइज। और आप सब अगर इसको सोच रहे हैं कभी ले या ऑर्डर दे, तो प्लीज़ आप लोग साइज़ देख लीजिएगा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा छोटा लगा। रोशनी को पसंद है इसलिए मैं उसको रखने के लिए दे रही हूँ, लेकिन अगर ये मेरा होता तो मैं इसको अभी इमीडिएटली रिटर्न में डाल देती, लेकिन उसको पसंद है इसलिए मैंने छोड़ दिया है, जाओ ले लो। इतना तो बड़ा है मेरे साइज से, देखो। हाँ तो रख लो, इतना छोटा है मेरा हाथ, और इतना इसका साइज है। रख लो बिस्तर के ऊपर, तुमको पढ़ाई करने के लिए हो गया। अब मेरा जो वो डाइनिंग टेबल का जो सोफा है उसको मत लेना, इसको मत लेना, इसका काम खत्म। तो गाइस देख सकते हैं मेरा जो तबीयत है वो आज 2-4 दिन से एकदम ही ख़राब है, तो इसलिए मैंने 3-4 दिन से कोई भी वीडियो ना यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है, ना मैंने इंस्टाग्राम का एक भी वीडियो बनाया हुआ है। अभी 2-3 दिन से मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि मेरा गला जो है वो पूरा बैठ गया है और इस तबीयत ख़राब रहने से वीडियो बनाने के लिए मन नहीं करता है। शाम के 6 बज गए थे, रोशनी को कुछ खाने का मन कर रहा था। मैंने उससे पूछा क्या खाओगी, फटाफट से बता दो मैं बना देती हूँ। तो उसने कहा चाउमीन खाऊंगी। तो मैंने कहा चाउमीन खाओगी, चाउमीन का तो कुछ भी सामान घर में है ही नहीं। तो उसने कहा कि चलो कुछ नहीं है मम्मी, मुझे आप 50 रुपीज़ दे दो, मैं और दीदी जाकर चाउमीन ले आते हैं और उसका जो सामान लगेगा वो भी ले आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तुम लोग लेकर जाओ 50 रुपीज़ और जाकर लेकर आओ। तो दोनों गए।
दोनों फटाफट से दुकान पर गए और चाउमीन का सारा सामान लेकर आए। और मैंने भी फटाफट से क्या किया, जो हमारे वेजेज अवेलेबल थे उसको फटाफट से मैंने चॉप कर लिया। उसके बाद मैंने उनको बना कर फटाफट से चाउमीन खिला दी। और हम लोग 4-5 लोग थे तो 2 पैकेट बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था गाइस, तो उसी में थोड़ा थोड़ा खा लिया। लेकिन रोशनी को चाहिए था ज़्यादा, तो मैंने कहा ठीक है तुम ले लो ज़्यादा और हम लोग थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। तो उसकी बड़ी मम्मी दुकान पर बैठी हुई थी, मैंने किंजल से कहा कि बड़ी मम्मी को भी ले जाकर दे के आओ। और गाइस हमारा जो ये मिनी ब्लॉग था यहीं पर एंड होता है। आप सबको अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बहुत सारे लोगों को शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बाय बाय, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।